19 नवंबर 2017 को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम वेस्ट वाटर एंड फीकल स्लज मैनेजमेंट यानी अपशिष्ट जल एवं मलयुक्त गाद प्रबंधन थी। क्या आप जानते हैं कि फीकल स्लज मैनेजमेंट क्या होता है? दरअसल मानव अपशिष्ट के उचित निपटान की अचूक और कारगर व्यवस्था को ही फीकल स्लज प्रबंधन कहा जाता है, ताकि मानव अपशिष्ट का बिना किसी लीकेज के सुरक्षित संग्रहण होता रहे और ये किसी भी प्रकार के प्रदूषण की वजह न बनने पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मानव अपशिष्ट का उपचार क्यों जरूरी है, तो हम आपको बता दें कि मानव अपशिष्ट बढ़ते प्रदूषण की बड़ी वजह है। भारत में खुले में शौच की दर विश्व की 60% है। शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक गैर अधिसूचित मलिन बस्तियों में 51% घरों में शौचालय नहीं है। ऐसे में ये लोग खुले में शौच करते हैं और फिर ये अपशिष्ट खुली नालियों और अन्य जल निकायों में बहता है। इससे जल, थल और वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि मानव अपशिष्ट का सही निपटान क्यों जरूरी है। जी हाँ, स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार ने काफी हद तक खुले में शौच पर नियंत्रण लगाने में कामयाबी हासिल की है। इससे लोगों में शौचालयों के इस्तेमाल को लेकर भी जागरूकता बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी मदद से दूरदराज गांवों में घर घर करोड़ों शौचालय बनवाए गए। इससे मजबूरीवश खुले में शौच करने वालों को ऐसा करने से राहत मिली। साथ ही महिला सुरक्षा के तौर पर भी इसे एक बड़ी पहल के रूप में देखा गया। लेकिन महज शौचालयों का इस्तेमाल करना ही गंदगी को दूर भगाने का संपूर्ण समाधान नहीं है। अपने साथ साथ हमारे समाज और देश को स्वच्छ रखने के लिए मानव अपशिष्ट का सही ढंग से निस्तारण भी जरूरी है। तभी हम अपने जल, जंगल और जमीन को स्वच्छ रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मानव अपशिष्ट का सही प्रबंधन कैसे किया जाए। दरअसल एक आदर्श निकास प्रणाली में पूरी तरह से लीकेज रहित और भूमिगत पाइप का नेटवर्क होता है, जिसे हम सीवर नेटवर्क कहते हैं, और साथ ही इसमें एक सीवेज उपचार संयंत्र यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी होता है। भारत की एक तिहाई शहरी आबादी जो मूल रूप से महानगरों में रहती है, उसे ये प्रणाली उपलब्ध है। अगर बात करें छोटे कस्बों और गांवों की, तो यहां ज्यादातर लोग एक अलग सीवरेज तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिसे ऑन साइट तंत्र भी कहा जाता है। इसमें एक सेप्टिक टैंक या गड्ढा शौचालय यानी पिट लैट्रिन्स होता है। कई भारतीय घरों में यही प्रणाली प्रचलित है। इस प्रणाली के तहत मानव अपशिष्ट के सुरक्षित संग्रहण, वहन और उपचार का सेप्टेज प्रबंधन भी होता है। एक खास प्रक्रिया के तहत इसमें मल अपशिष्ट को विशेष वाहनों से ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाया जाता है, जहां इसका सुरक्षित और कारगर उपचार किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार केवल 32.7% शहरी परिवार पाइप वाली सीवर प्रणाली से जुड़े हैं, जबकि 38.2% परिवार अपने मल का निपटारा सेप्टिक टैंक और 7% गड्ढा यानी पिट शौचालयों में करते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि हमें इस दिशा में और कई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ऐसे में इस लक्ष्य को पूरा करने के रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां भी हैं, जिन्हें पूरा किए बगैर स्वच्छता के सपने को साकार नहीं किया जा सकता। मलयुक्त गाद प्रबंधन में चुनौतियां। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार भारत के 8000 कस्बों में से केवल 160 कस्बों में ही सीवेज सिस्टम और सीवेज उपचार संयंत्र उपलब्ध है। ऐसे और नए संयंत्रों का निर्माण जरूरी है। सर्वेक्षणों से पता चला है कि पुराने ऑन साइट तंत्र उचित तरीके से निर्मित नहीं किए गए हैं। ये सरकार द्वारा जारी सेप्टिक टैंक और पिट के मानक डिजाइनों पर आधारित नहीं है। खराब डिजाइन वाले इन गड्ढों से पेयजल के प्रदूषित हो जाने की संभावना रहती है। ऐसे में नए शौचालयों के साथ साथ पुराने शौचालयों की मरम्मत का काम भी जरूरी है। कस्बों और गांवों में मलिय अपशिष्ट को आज भी हाथों से उठाया और ढोया जाता है। इससे बीमारियों का खतरा बढ़ता है, लिहाजा अपशिष्ट का प्रबंधन विशेष वाहनों से किया जाना आवश्यक है। ऐसे में ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं में मल ढोने वाले वाहनों की संख्या सुनिश्चित की जाए। सरकार के साथ साथ हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें निभाकर हम खुद को बीमारियों से और बढ़ते प्रदूषण से बचा सकते हैं। लिहाजा हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम मलिय अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर कुछ सावधानियां बरतें। खुले में शौच का बहिष्कार करें, पुराने सेप्टिक टैंकों की मरम्मत कराएं, टैंकों की नियमित तौर पर सफाई कराएं, स्वच्छता के प्रति जागरूक बने और सरकार द्वारा दी गई मदद का लाभ उठाएं।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार ने गांवों में शौचालयों के निर्माण के लिए गरीबों को सब्सिडी देने जैसे कई सराहनीय कदम उठाए हैं। शहरों में भी स्वच्छता पर ठोस नीतियां निर्धारित की गई हैं। सरकार ने सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों के निर्माण के लिए निवेश बढ़ाया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों की जागरूकता पर विशेष ध्यान देते हुए विज्ञापनों पर बड़ा बजट निर्धारित किया गया है। याद रखिए, स्वच्छता का सीधा संबंध मानव स्वास्थ्य से है। यदि मानव मल का प्रबंधन और उपचार ठीक तरीके से नहीं किया जाता है तो ये खाद्य श्रृंखला में शामिल होकर उसे गंभीर रूप से प्रदूषित कर सकता है और हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए स्वच्छता के प्रति सजग रहें और अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, क्योंकि स्वच्छता हमारा कर्तव्य नहीं बल्कि अधिकार है।